तो आज का हमारा जो जी में हम साइंस डिस्कस करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे फ्लैट बॉम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइम्स तो जो फ्लैटफाम होता है ये कौन से जो फ्लाइम से बिलोंग करता है पहले हेलमिन्थिस कैटनफोरा उसके बाद कॉलेंट्रेटा या प्रोइफेरा प्रो तो अब बात करें जो फ्लैट प्लेटफॉर्म है जो फ्लैट बॉम है वो किसमें फ्लाइम प्लेटे हेलमिंथिस को बिलोंग करता है और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर में होते हैं ठीक है और इनमें जो वाइलेटरलमिट्रिक और ट्राई tri ट्रिपलोब्लास्टिक जो क्रिएचर इसमें रहता है ठीक है और उस पर जो कॉलेंट्रेटा रहता है ये एक फ्री लिविंग मैरीन एनिमल और रेडिकल समिट्री इनमें होती है जो पोरीफेरा ये मेनली बिलोंग करते हैं मैरीन इन नेचर को जो एसमिट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर होता है ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा प्लेटफॉर्म कौन से जो बिलोंग करते हैं पेल हेलमिंथीस को ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर को ठीक है तो आपके लिए ये शानदार विच आव द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट मैंगो एप्पल पेयर्स या पाइन ऐप्पल तो देखिए एक होते हैं ट्रू फ्रूट एक होते हैं फॉल्स फ्रूट तो ट्रू फ्रूट कौन से आते हैं मैंगो मेज ग्रेप्स फॉल्स फ्रूट एप्पल पेयर्स पाइन ऐप्पल तो ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं ए फ्रूट हैज अ अच्छर आ रईपन ओबरी हुपेल्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फॉल्स फ्रूट ए फॉल्स फ्रूट इज डिराइव फ्राम द फ्लोरल पार्ट अदर दैन द ओबरी जो फ्लोरल पार्ट से होते हैं वो होते हैं फेक और जो राइपन डबरी से होते हैं वो होते हैं ट्रू फ्रूट तो इनमें से ट्रू फ्रूट कौन सा हो जाएगा आपका मैंगो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज इन टू द एयर फोटोसिंथिस डेस्पाइरेशन ट्रांसपाइरेशन या एक्सक्रिएशन तो जहाँ पे बात करें रेस्पाइरेशन में क्या होता है इनटेक ऑफ एयर होता है ट्रांसपाइरेशन में इवेपोरेशन होता है वाटर का स्टोमेटा से लीव की तरफ एक्सक्रिएशन में और क्या होता है रिमूवल होता है बेस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म तो रिलीज ऑक्सीजन की बात करें हम इसमें तो जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस आता है जिसमें ग्रीन प्लांट मनुफैक्चर करते हैं फूड उसमें क्या करते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में इस प्रोसेस में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं ठीक है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो एक सोर्स है ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस में ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए इज़ दी राइट आंसर हो जाएगा हाउ मैनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल मालिक्यूल ऑफ रक्टोस तो सिंगल मालिक्यूल ऑफ रक्टोज में कितने जो कार्बन हमारे रहते हैं तो हम बात करें जो मोनोसैक्राइड एक सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की और स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है फ्रक्टोस एक मोनोसैक्राइड है ग्लूकोज की तरह और इसमें हैक्जोस मालिक्यूल होते हैं यानी कि सिक्स कार्बन इसमें प्रेजेंट रहते हैं केमिकल फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो कार्बन इसमें सिक्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से फाइब्रस रूट की आपने एग्जांपल बतानी है वीट मेज़ राइस या बैम्बो तो बैम्बो इनमें से कौन सी नॉट है नो बैम्बो इनमें से फाइबरस रूट नहीं होगी जो फाइबरस रूट होती है वो वेरी वुशी होती हैं जो फॉर्म्ड होती हैं बेस ऑफ स्टेम से जो फाइबरस रूट की एग्जाम्पल आ जाएगी वो क्या आ जाती है ग्रास व्हीट राइस मेज और बैम्बो एक प्रॉपर रूट है जो फॉर्म्ड होती है नोट्स ऑफ द एंड एरियल स्टेम से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका बैम्बो डी इज़ द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी ए बी सी डी तो जो विटामिन डी है वो सिंथेसाइज़ होती है ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस में क्या होता है जो स्किन एक्सपोज होती है सनलाइट में इसमें कैल्सी इसको बोलते हैं विटामिन डी जो एक्ट ऐसे हार्मोन करता है और वह करता है एबजॉर्बशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्राम फ्लड फूड से, से। विटामिन ए आ जाएगा रेटिनोल विटामिन बी थायामाइन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इनके के केमिकल नेम तो इसका विटामिन डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कैल्शी इसको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन रिंग नेक पैरट पिस्ती क्रैमेरी मैनीिनि एक्ला एक्ूला क्राई एक्ला क्राइसैटियस जिप्स इंडिकस कोलोम्बा लिबिया तो इसका क्या हो जाता है जो साउथ इंडिया के इंडिया रिंग पैरट है या इंडिया रोस रिंगड पैराकीट है तो वो उसका साइंटिफिक नेम आ जाता है पिस्ताक्यूला क्रैमेरी मैनीानिस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच आव द फॉलिंग इज ए वार्म ब्लडेड टर्टल स्नेक एप या लिजार्ड तो एप ऑप्शन नंबर सी इसमें वार्म ब्लडेड है वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो क्या करते हैं मेक देयर ओन बॉडी हीट अपनी बॉडी में खुद ही हीट हो जाते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन आ जाता है जैसे टेम्परेचर जिस जो टेम्परेचर उनके आउटसाइड का होता है जैसे फिश रेप्टाइल्स एम्फीबियंस ये सारे क्या आते हैं कोल्ड ब्लडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एरियल रूट कैरट रेडिश टर्निप या पीपल ट्री तो एरियल रूट पीपल ट्री की एक एरियल रूट होती है कैरट की कॉनिकल टर्निप की नेपी फॉर्म रेडिश की फूसी फॉम एरियल रूट वो टाइप की रूट है जो प्रेजेंट होती हैं अबब दी ग्राउंड ठीक है वो आती हैं पीपल की तो so, नेक्स्ट की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काश इटाईटाई इटाईटाई से कौन सी डिजीज़ होती है कैडमियम मरकरी लेड या आर्सनिक तो इटाई टाई जो कैडमियम से होती है और ये डिज़ीज़ एक लोकल जो टायमा प्रीफ्रैक्चर हुआ था जापान में 1912 में और इसमें जो पोल्यूशन डिजीज़ कास हो गई थी जापान में तो एन जो रिचार्जेबल बैटरीज है उसमें यूज़ करते हैं कैडमियम को ठीक है तो ये आपने याद रखना है तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे